बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दूध, बादाम और खजूर का शेक। ये एक ऐसा ड्रिंक है जो तवानाई से भरपूर है। ये ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको नज़ला ज़ुकाम से बचाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5 और इसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें हम बादाम भी शामिल करते हैं इसलिए इसकी हिफाजत में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि सर्दियों में खजूर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। जी, इसके लिए हमें चाहिए खजूरें 7 से 8 या 6-7, जितनी भी आप लेना चाहते हैं उतनी खजूरें ले लें। गुठली निकाल दें आप इसकी। 1/2 लीटर हमने दूध लेना है ताज़ा बॉयल किया हुआ, और साथ ही हमने कुछ बादाम की गिरियाँ लेनी है जिन्हें हमने पानी में भिगो दिया है। ये हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि इसके जो छिलके हैं उतर दें। जी, ये खजूरें भी हम दूध में डाल देंगे आधे घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाएं। ये हमने डाल दी हैं सारी खजूरें इसमें। अब हम ये ब्लेंडर में डालेंगे। ये देखिए खजूरें नरम हो गई हैं, इसे हम डालेंगे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ताकि वो दूध जो है इसमें वो छलके ना। बहुत अच्छे तरीके के साथ दूध डालें इसमें, और साथ ही हम जो बादाम के छिलके उतार दिए हैं हमने और उसकी जो गिरियाँ हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा शेक बन गया है। इसमें हमने चीनी ऐड नहीं की क्योंकि चीनी के बगैर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे बच्चों को दें, खुद भी पिएं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखें, हमेशा आबाद रखें। अल्लाह हाफिज़।